बड़ी प्यारी बात कही कि भगवान कहते हैं जहां जहां मेरी भागवत कथा होती है, भागवत किसकी है, कहा भगवान की, जहां जहां मेरी कथा होती है ना वहां वहां मैं उसी प्रकार दौड़ा चला जाता हूं जैसे पुत्र वत्सला गो अपने बछड़े के पीछे पीछे दौड़ती है। मां दौड़ती है पुत्र के लिए कि हे पुत्र आ आ मैं तुझे दूध का पान करा दूं, आ मैं तेरी भूख मिटा दूं, मैं तेरी प्यास मिटा दूं। कहा प्यारे वो जीवन की आपके भौतिक प्यास हो सकती है, भौतिक भूख हो सकती है, परंतु आध्यात्मिक भूख और आध्यात्मिक प्यास को मिटाने में सामर्थ्यवान केवल ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, केवल ये भागवत महापुराण है। इसीलिए तो इसकी महिमा बार बार गाई गई, बार बार गाई गई। रसिक लिखते हैं, मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीत मनसम, नाहं तक्ष्यामि तम नरम। जो मेरी कथा कहता है और जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है, दोनों की व्याख्या गाई गई महाराज, दोनों का गुण गाया गया, कहने वाले से बड़ा सुनने वाला है। कि प्यारे भागवत में लिख दी ये बात कि जो सदा मेरी कथा कहता है और जो सदा उस कथा को सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, मेरी कथा से जो मन ही मन प्रसन्न होता है उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता, उस मानव का मैं कभी त्याग नहीं करता। दुनिया के झूठे आडंबरों में, दुनिया के झूठी तृष्णाओं में हम अपने मन को लगाते हैं प्यारे, परंतु जिसने अपने मन को बुद्धि सहित परमात्मा के चरणों में लगा दिया, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, अरे ठाकुर फिर मेरा ही क्या है, फिर मेरा ही क्या है, जब मैंने तुझे अपना मान ही लिया, तेरी कथा को ही मैंने शिरोधार्य कर लिया, फिर जीवन में अनन्य मुझे कहीं जाने की क्या आवश्यकता। धर्म कहता है एक लाठी सहारा होती है, हजारों लाठियां बोझ बन जाया करती हैं मेरे प्यारे। सहारा बनाओ तो केवल कृष्ण नाम का, आश्रय लो तो केवल कृष्ण नाम का। हजारों लाठियों का सहारा लेने वाला, हाँ दो नावों में पांव रख के चलने वाला डूबेगा ही प्यारे, तरेगा तो वो केवल वही जिसने कृष्ण नाम की नैया में सवार होके अपने जीवन को व्यभिचारों से मुक्त करते हुए परम धन्य कर लिया, परम पवित्र कर लिया, जिसने अपने जीवन को कृष्ण तत्व में लगा लिया, वही तो धन्य है, वही तो पवित्र है, उसकी कीर्ति अमर है, उसका नाम अमर है, जिसने कृष्ण को जीवन में शिरोधार्य कर लियो। कृष्ण कृष्ण महाभाग पन्नाथम गोकुलम, कि प्यारे वो महाभाग गोपियां कहती हैं, रे कृष्ण तू ही तो मेरे जीवन का आधार है। गोपियों ने कृष्ण को जीवन का आधार माना और पाया कृष्ण को, गोपियों ने पाया कि प्यारे उद्धव संदेश देते हैं गोपियों को, हे गोपियों वो ब्रह्म है। फिर वो गोपियां कहती हैं, उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, ब्रज की लताओं में गुजारा करेंगे। रे ठाकुर तेरे लिए कितने दुख सहे होंगे, दुनिया दुख सह सकती है प्यारे, दुनिया दुख सहती है किसके लिए, भौतिक जगत के लिए, परंतु जो कृष्ण के लिए दुख सहता है ना,
जिसने कृष्ण को ही जीवन का परम सुख मान लिया, कृष्ण के वियोग को ही जीवन का सबसे बड़ा दुख मान लिया, प्यारे बस समझ लेना उससे बड़ा सौभाग्यशाली जीवन में दूसरा कोई नहीं हो सकता। बाकी दुख भौतिक हो सकते हैं, कोई देह के दुख से दुखी है, कोई भौतिक दुख से दुखी है, कोई दैविक दुख से दुखी है, परंतु दुख मानना तो जीवन में केवल इस बात का कि मेरे जीवन से भगवान की कथा कैसे निकल गई, मेरे जीवन से कृष्ण तत्व कैसे निकल गया, मेरे जीवन से कृष्ण नाम कैसे निकल गया, दुख मानना तो इस बात का मानना प्यारे।